गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे और हम लोग रिंग सब रिंग के वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ जान चुके थे। हम लोग को एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखते हैं। So that the set of matrices A, B, 0, C is a subring of a ring of 2x2 matrices with integral element। इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में है, ए बी जीरो सी के फॉर्म में है, और वो सबरिंग होगा किसी मैट्रिक्स के जो 2x2 ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा इंटीग्रल एलिमेंट होगा, मतलब इंटीजर होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा। हम लोग पहले नोटेशन नहीं दिया हुआ है, नोटेशन तैयार कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट आर बी द रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद integral element, मतलब उसमें एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर वो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। लेट m इज इक्वल टू ए बी जीरो सी ए आई बी आई सी आई बी द सेट ऑफ integer, set of matrices where जहां पर ai bi ci belongs to set of integer। जानते होंगे सारा सेट ऑफ इंटीजर है, क्योंकि इसका प्रॉपर जो आ रहा है वही सेट ऑफ इंटीजर है। वी हैव टू शो दैट एम इज सब रिंग ऑफ रिंग आर, ये रिंग का सब रिंग होगा। जिस चीज को अगर पता है कि जिस चीजों को रिंग दिखाना है उसमें दो एलिमेंट मान के दोनों का माइनस उसी चीज में बिलोंग कराना पड़ेगा। जिस चीजों में सब रिंग दिखाना है दोनों का गुना उसी चीज में बिलोंग कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो सिंपल एलिमेंट है, हम लोग यहाँ जो लिए एलिमेंट की जगह वो एक मैट्रिक्स लिए, तो उसी हिसाब से हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। लेट ए बराबर ए वन बी वन जीरो सेवन बी टू बराबर ए टू बी टू जीरो सी टू। नाउ ए माइनस बी, ये दोनों मैट्रिक्स का घटाव लीजिए,
अच्छा ये जो होगा वो एम में होगा या नहीं होगा, देखिए तो एम में इसी प्रकार का नचीज आता है, इसी प्रकार का चीज आता है, तो ये भी किसमें होगा, एम में होगा। ए माइनस बी मतलब ए वन बी वन जीरो सी वन माइनस ए टू बी टू जीरो सी टू इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू बी वन माइनस बी टू जीरो सी वन माइनस ए टू। इधरों को घटा दिए जिस तरह मैट्रिक्स घटाते हैं हम लोग, अब इधरों को जब घटा दिए तो जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो कोई नंबर ही मिलेगा, सेट ऑफ इंटीजर ही इंटीजर में ही आएगा, ये ई टू ये जीरो ये ई थ्री, जहां पर ई तो मिलना तय ही है, ये चीज बिलोंग करेगा कि नहीं एम में, क्योंकि ये देखिए तो एम वाले की फॉर्म में मिलता है कि नहीं। फिर अगेन ए वन ए इंटू बी ए वन बी वन जीरो सी वन इंटू ए टू बी टू जीरो सी टू इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराइए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराइए, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू जीरो फिर ए वन इंटू बी टू बी वन प्लस बी वन इंटू बी टू ये इससे गुणा कराइए, जीरो इंटू ए टू प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू, यहाँ पे हो गया ये जीरो इंटू ए टू ये सी वन, ये सी वन इंटू जीरो जीरो इंटू बी टू सी वन इंटू सी टू, ये मैट्रिक्स ही देगा, ये जीरो देगा, ये गुना ए वन इंटू ए टू देगा, तो मान लीजिए ये डी वन देता है, ये चीज सारा चीज मान लीजिए डी टू देता है, ये जीरो देगा, ये भी गुना होगी जीरो देगा, दो जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो होगा, ये जीरो खत्म हो गया, सी वन इंटू सी टू मान लीजिए ये डी थ्री दे दिया, ये भी एम में होगा कि नहीं होगा, क्लियर सी बात है एम में होगा। चलिए यह भी है हमारे पास मिलेगा दैट इज पहला ए बिलोंग करे रहा है एम में, मैच कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है एम में, मैच कर रहा है, तो ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है ना एम में, ये मैच कर रहा है इससे मैट्रिक्स, फिर उसी तरह से ये दोनों का गुणा कर एक ये दोनों का गुणा करने पर देखिए ये मैच कर रहा है ना एम से, तो बिलोंग करेगा ना सेट ऑफ एम में, तो ए ए बिलोंग्स टू एम बी बिलोंग्स टू एम इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एम एंड सेकेंड वन इज ए बिलोंग्स टू एम B belongs to M implies that A into B belongs to M. और सब लिंक का तो ये डेफिनेशन है। Therefore, M is sub ring of ring. क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ए बी जीरो जीरो क्वेश्चन नंबर दो, बस इसी तरह से आप लोग बना के हमको सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहा,
मात्रा आई। रिंग हो चुका था, सब रिंग हो चुका था, फील्ड का डेफिनेशन हो चुका था। फील्ड का डेफिनेशन के बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं सब फील्ड का डेफिनेशन। ये आपका अंबर करा सब फील्ड। लेट के बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड एफ। लेट के बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड एफ दैट एफ इज सेड to be then K. Then K is said to be field, said to be subfield of field F if K itself is if K itself is a field under the same operation defined on F. Insert a view. Insert a view. First of all, K be any non-empty subset of field, and K itself. K itself a field under the same operation defined on F. जिस तरह से सबरिंग का डेफिनेशन था उसी तरह से सब फील्ड का भी डेफिनेशन है कि K कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा फील्ड F, तब K को K इज सेड टू बी फील्ड सेड टू बी सब फील्ड ऑफ फील्ड F, तब K को F का सब फील्ड कहेंगे इफ K इटसेल्फ K खुद इज ए फील्ड हो अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइंड ऑन F. F जिस ऑपरेशन के साथ फील्ड का फॉर्मेशन किया है के भी उसी ऑपरेशन के साथ फील्ड का ऑपरेशन फील्ड का फॉर्मेशन करे। शॉर्ट व्यू में के बी एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एफ एंड आल्सो के इटसेल्फ फील्ड अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आई। ये सब ग्रुप से ऐसा आ रहा है इसलिए थोड़ा खींच लिए समझ में आ रहा है। अब सभी में भी हाल फिलहाल पढ़ाए चलिए जिस तरह सबरिंग का थ्योरम पढ़े थे उसी तरह से यहां पर हम लोग इसका भी थ्योरम पढ़ेंगे। लिखिए थ्योरम थ्योरम नंबर
सब फील्ड का थ्योरम नंबर एक ही होगा। द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ फील्ड नॉन एम्प्टी के अपना नाम देंगे नॉन एम्प्टी के सबसेट ऑफ फील्ड फील्ड एफ इज टू बी ए सब रिंग ऑफ रिंग सब फील्ड एफ सब फील्ड ऑफ फील्ड एफ इफ फर्स्ट वन इज ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू के एंड सेकेंड वन इज ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज दैट ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू के। तो हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन। देखिए ए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्प्टी सबसेट, कोई भी नॉन इम्प्टी सबसेट के लिए कहा जा रहा है कि याद होगा सब फील्ड में भी इसी तरह से यहाँ पे लिखे थे। तो कोई के कोई नॉन इम्प्टी सबसेट है जो कि ये के ये सबसेट है फील्ड एफ के और इसके साथ दो कंडीशन है ए बिलोंग्स टू के बी बिलोंग्स टू के implies that a minus b belongs to k and second one condition is इसमें a belongs to k b belongs to k a b inverse belongs to k। तो ये उसी तरह का चीज है जिस तरह से सबरिंग में था, इसलिए कभी कभी सब फील्ड बोलते बोलते सबरिंग बोला जाता है कि ये k कोई सब फील्ड होगा f फील्ड का इफ यदि ये दोनों कंडीशन होता है और यदि ये दोनों कोई कंडीशन होता है तो ये ऐसा होगा। ये पीछे वाले थ्योरम से है तो हम लोग पहले लिखेंगे प्रूफ में जो चीज दिया हुआ है दोनों कंडीशन में। जैसे ये तो हर जगह के लिए दिया हुआ है किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए तो लिखेंगे गिवन K be any non-empty subset of field F. A necessary condition. The condition is necessary. Suppose हम लोग सपोज करेंगे के कोई क्या है फील्ड है के कोई फील्ड है। सपोज के इज सब फील्ड
तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो सो डैट तो सो डैट दिखाना होगा. फर्स्ट वन इज A belongs to K, B belongs to K implies that A minus B belongs to K. And second one is A belongs to K, B belongs to K implies that AB inverse belongs to K. उनको दिखाना यही होगा. और फिर ये मानेंगे इतने sufficient condition में तो वो दिखाएंगे. तो हम लोग इधर इतना सारा के और फिर सारा से बिता देते हैं. इसके जाइए टी को क्या माने हैं, सब फ्री माने हैं. हमको दिखाना क्या है कि ये दोनों कंडीशन है. दोनों कंडीशन बगल में लिखे हैं, देखिएगा. के सब फील्ड आइए के बारे में बोल रहे हैं, ये सब फील्ड है. ठीक, अच्छा सब फील्ड है तो ये के फील्ड रहा होगा. जैसे सब ग्रुप था तो ग्रुप रहता था, उसी तरह फील्ड रहा होगा. तो ये ऐसा कंडीशन हुआ होगा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ये फील्ड हो गया. तो फील्ड के किसको कहते हैं, एक कम्यूटेटिव रिंग वगैरह कहते हैं, लेकिन नीचे से जा रहे हैं. तो के इज नॉन एम्प्टी, के कोई नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ के इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. इसके बाद इस के बारे में क्या गया होगा ऊपर, ये के क्या हुआ होगा, ये के कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हुआ. कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हुआ होगा तो इसके ऊपर क्या हुआ होगा, ये के क्या हुआ होगा, रिंग रहा होगा. और रिंग रहा होगा तो इसके ऊपर क्या गया होगा, इसके ऊपर गया होगा पहला कंडीशन, ये के अंडर एडिशन अबेलियन आया होगा. अबेलियन आया होगा, अबेलियन ग्रुप. और ये के अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप. और तीसरा बात हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूटी अंडर मल्टी ओवर एडिशन. तो ये आपका यहां से शुरू हुआ होगा और इतना तक पहुंचा होगा. तो देखिए, तो हम लोग यहां प्रयोग कर रहे हैं कि आपका सब रिंग है, यहां से शुरू होगा और यहां तक पहुंचेगा. तो हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं उस चीजों को ना. Let A belongs to K, B belongs to K. Since B belongs to K, implies that B K में है, K सब फील्ड है, सब फील्ड है तो तुरंत इसका यहां कंडीशन आ सकता है. टॉप लेवल का कंडीशन है तो इसके अंडर एडिशन के साथ ही अवेलियन है, यानी कि विथ के विथ अंडर एडिशन ऑपरेशन के साथ प्लस ऑपरेशन के साथ अवेलियन का फॉर्मेशन करता है. तो क्लियर है कि ये माइनस बी बिलोंग किया होगा उसके. इसमें पांच कंडीशन होता है, तो पांच का तीसरा कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के कारण माइनस बी बिलोंग किया होगा के में. दैट इज ए बिलोंग्स टू के, माइनस बी बिलोंग्स टू के इंप्लाइज दैट. यहां पे लिखना पड़ेगा बाय
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इतना बड़ा कहानी तो आप इतना यहाँ लिख नहीं सकते, लेकिन बिना समझे यदि लिखते हैं तो बस एग्जाम में भूल जाइएगा कैसे क्या होगा। चलिए, ए बिलोंग्स टू के माइनस बी बिलोंग्स टू के, है ना, ए बिलोंग्स टू के, और यहाँ निकाल के दिखाए ना, बी बिलोंग्स टू के, तो ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू के, क्यों जी, के सबरिंग है, तुरंत यहाँ पहुंच गया उसका कनेक्शन, और इसका पहला प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन क्लोजर होता है, चूंकि के क्लोज्ड अंडर एडिशन सबरिंग है, ये सबरिंग है तो वहां टॉप पे पहुंच गया, ये बगल में रखिएगा तभी लिख पाइएगा वो ट्री के तरफ। चलिए, इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू के, दैट इज ए बिलोंग्स टू, देखिए कहां था, के में, बी बिलोंग्स टू कहां था, के में, तो क्या इंप्लाई किया, ए माइनस बी कहां आ गया, के। हेंस कंडीशन, यही तो कंडीशन फर्स्ट है, आई अगेन अगेन, लेट ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इंप्लाइज सिंस बी बिलोंग्स टू के, इंप्लाइज, देखिए हमको प्रूफ ऑफ तो दूसरा नंबर कंडीशन करना है, हमको दिखाना है कि ए इनवर्स उसमें होगा और फिर वो दोनों का गुना, ये दोनों तो मान लिए हम, दिखाना है कि इसका इनवर्स रहा होगा और फिर उसके साथ गुना होगा कि के में गया होगा, तो ये इनवर्स कैसे लाएंगे वो इसी ट्री में दिखेगा आपको, के सब फील्ड है, सब फील्ड है तो फील्ड रहा होगा, और सब फील्ड, ये फील्ड रहा तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यदि दिक्कत होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के लिख दीजिए, तो देखिए तो यदि इसके अंदर यहाँ बी रहता और वो जीरो के बराबर, सॉरी नॉनिक्विटी नहीं, ये जीरो के बराबर नहीं होता तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, फील्ड है, सब फील्ड है तो फील्ड है, तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बी बिलोंग करता है के में, तो वो बी बिलोंग करेगा पक्का, बी इनवर्स पक्का बिलोंग करेगा के में, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो और इम्प्लाइज दैट के, और के क्या है तो फील्ड, सब फील्ड है तो फील्ड है, क्या लिख दे, फील्ड लिख दे, सब फील्ड लिख देते हैं, सब सब फील्ड, बिकॉज कोमा देखिए लिख दीजिए, because every non zero element has multiplicative inverse, every non zero element has multiplicative inverse, अब देखिए तो इसमें चला गया, that is a belongs to k minus b belongs to k, a k का एलिमेंट है minus b k का एलिमेंट है, तो ये imply करेगा a into b belongs to k, क्यों, क्योंकि जब दो एलिमेंट k में है तो k फील्ड, सब फील्ड है तो फील्ड रहा होगा, फील्ड रहा होगा तो यहां से यहां, 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 दो नंबर प्रॉपर्टीज को आप कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, ये सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप का पहला प्रॉपर्टीज होता है मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन,
क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि के क्लोज, चूंकि के क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन दैट इज, अब इधर मिटा के लिखते हैं, ऊपर मिटा के लिखते हैं, that is a belongs to k, b belongs to k implies that ab inverse belongs to k, hence condition number second okay. The condition is sufficient. ये दूसरा कंडीशन मिल गया, कंडीशन हम लोग लिखेंगे सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट, सपोज फर्स्ट वन ए बिलोंग्स टू K, B belongs to K implies that AB, A minus B belongs to K, and second one is A belongs to K, B belongs to K implies that AB ka inverse belongs to K. We have to show that humko dikhana hoga K is सब फील्ड फील्ड, तो हमको दिखाना है कि ये सब फील्ड, उसके लिए के अंडर एडिशन वेरियंस दिखाना होगा, इसके लिए हम लोग पहले दिखाए भी हैं, किस हिसाब से दिखाते हैं, तो पहला लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं था, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन से या नहीं होगा, सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, let A belongs to K, A belongs to K, implies that A minus A belongs to K, from condition first implies that A minus A kitna? Zero belongs to K, plus existence of identity is, दिक्कत लेना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए, इसका एक प्रॉपर्टी हुआ, अब एग्जिस्टेंस ऑफ, इसी को मिटा मिटा के हम ऐसा लिखेंगे, ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
क्वेश्चन। दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। माइनस भी बिलोंग किया था, अभी जीरो बिलोंग किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो जीरो बिलोंग्स टू के और बी बिलोंग्स टू के, इंप्लाइज दैट जीरो माइनस बी belongs to K from condition first, from condition first minus B belongs to K। क्लियर हो गया कि माइनस बी भी बिलोंग किया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। दस ये फॉर ऑल के लिए होना तय है, क्योंकि यहां से फॉर ऑल ले सकते हैं, इसलिए फॉर ऑल हो सकता है। दस एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर तीसरा, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन दे दीजिए, अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो लेट ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू के, तो माइनस बी बिलोंग्स टू के होगा कि नहीं, अभी तुरंत दिखाया माइनस बी बिलोंग्स टू के पीछे, तो यहां पे लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट ए माइनस माइनस बी बिलोंग्स टू के फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट ए प्लस प्लस बी बिलोंग्स टू के। ऐसा क्यों? तो दैट इज ए बिलोंग्स टू के, B belongs to K, क्या इंप्लाई कर गया, A plus B belongs to K, thus क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड्स, thus क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अभी देखिए इसमें एसोसिएटिव बचा, तीन बार एसोसिएटिव बचा और कम्यूटेटिव बचा अंडर एडिशन, उसको भी रेस्ट रखिए, सारे को लास्ट में लिख लेंगे। अब आइए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड यहाँ चीज हम लोग कर लेंगे, क्लोजर भी हम लोग दिखा लेंगे। उससे पहले हम लोग इनवर्स एलिमेंट निकाल लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेते हैं, यूनिटी एलिमेंट, इतना सारा चीज पूरा होना है तो यूनिटी निकाल लेते हैं। जैसे इसमें जो जरूरत था पहले, जरूरत के हिसाब से निकाले, उसी तरह से इसमें पहले यूनिटी एलिमेंट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं यूनिटी एलिमेंट कैसे निकलेगा, मिटा देते हैं प्रॉपर्टीज को, फिर फॉर यूनिटी। तो एक दो तीन, तीन हो चुका है, चार पांच छोड़ दिए थे, तो चार नंबर ले लेते हैं। फॉर यूनिटी एलिमेंट शायद यही होगा, देख लेते हैं किस हिसाब से होगा। तो यूनिटी एलिमेंट कैसे मिलेगा, मिल जाएगा
belongs to K, capital K. A belongs to capital K. क्लियर है, लिख सकते हैं implies that A inverse belongs to K. कहां से? From condition number second. From condition number second. Implies that A inverse modal algebra group. Clear? One. Thus. मिल गया यूनिटी एलिमेंट तो मिल गया, वन बिलोंग कर दिया, दस यूनिटी एलिमेंट वन बिलोंग्स टू सेट के. कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, विथ यूनिटी सब निकल गया, जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे हम लोग लिख रहे हैं. अच्छा यूनिटी एलिमेंट निकल गया, अब इनवर्स एलिमेंट निकालना आसान होगा. फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट चार, तीन हुआ था चार, ये पांच. फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टी के टीम इनवर्स. एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, चाहिए ना ये वाला चीज. इतना चीज है आवश्यकता के अनुसार, जो सहूलियत के अनुसार हम लोग निकाल रहे हैं. चलिए ए बिलोंग्स टू के, क्लियर है, यहीं पर है. A belongs to K, कोई दिक्कत नहीं. Implies that 1 into 1 inverse belongs to K. From condition number second. Second क्या कहता है? पहला दूसरे का inverse belong करेगा. Implies that A inverse belongs to that is A belongs to K implies that A inverse belongs to K. Clear? A K में है तो उसका inverse K में है क्या? Thus every non-zero element has, यहाँ पे लिख देंगे, is not equal to zero. ठीक है? तो every non-zero element has multiplicative inverse. यहाँ zero के बराबर नहीं है ये. Not equal to zero के बराबर था, उसका inverse आ गया. Every non-zero ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के, दैट इज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एलिमेंट ऑफ के हैज मल्टीप्लिकेटिव. उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. चलिए ये भी क्लियर हो गया. अब हम कहां हम लोग आ जाए, अब हमारा बचा क्या? मल्टीप्लिकेशन बचा, इसका मल्टीप्लिकेशन बचा, इस पे हम लोग टच नहीं किए हैं अभी. तो उसका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, बाकी काम खत्म हो जाएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये आपका ध्यान रखना होगा, जरूरत के हिसाब से हम लोग निकालते जाएंगे, ख्याल रखिएगा. चलिए क्या क्या है, शायद अब हम लोग इधर प्रूफ करते तो अच्छा होता कुछ. अच्छा ख्याल रखेंगे, वन बिलोंग कर रहा है के में और ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है के में, दो ही चीज निकाले हैं अभी. हाँ दो चीज निकाले हैं, और इसका कितना, तीन चीज हो गया है, उसका तीन चीज हो गया है, चार एक पांच. हम लोग पांच नंबर तक गए, पांच नंबर तक गए हैं, अब छह से हम लोगों को जाना है. एकदम आसान है. मल्टीप्लीकेशन है ये,
क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन या क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। आई लेट ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, सिंस b belongs to k implies that minus b belongs to k। ये अभी तुरंत दिखाए यहाँ पर for all के लिए ये होता है, और ये b जहाँ b क्या है जीरो के बराबर नहीं है, b जीरो के बराबर नहीं है तो उसके लिए इनवर्स उसमें belong करेगा। k नंबर में ये दिखाए हैं चूंकि k में जो belong कर रहा है a not belongs to equal to zero belong कर रहा है, imply करेगा a inverse belongs to k for all a belongs to k, condition पीछे था दिखाए थे। चलो now a belongs to k that is करके लिखते हैं हम लोग, तो that is लिखेंगे a belongs to k माइनस बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू के फ्रॉम कंडीशन नंबर सेकंड। ऐसा क्यों भाई, कंडीशन सेकंड हमारा कहता है पहला और दूसरा यदि के में हो ए और बी तो ए दूसरे वाले का इनवर्स के होना चाहिए उसमें, क्लियर है। तो दूसरा वाला क्या है बी इनवर्स तो इनवर्स होना चाहिए तो उसका इनवर्स कर दिए। कंडीशन पहला और दूसरे का इनवर्स, पहला लिखे दूसरा जो था उसका इनवर्स कर दिए तो के में चला गया, इंप्लाइज है ए बी इनवर्स का इनवर्स बी। क्यों भाई, तो जानते हैं क्योंकि ए इनवर्स मॉडल में पढ़े इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप जी, क्लियर है इस बात बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के, क्लियर बात रहता है। चलिए दैट इज क्या हुआ, ए और बी कहा था, ए था के में, ए बिलोंग्स टू के, बी बिलोंग्स टू के, क्या इंप्लाई किया ए बी बिलोंग्स टू के, इसका मतलब क्या हुआ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। दस के इज लाइट यार बंद हो गया देखो ना, thus k is closed under multiplication। तो thus k is closed under multiplication, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बचा क्या क्या इसका, अब फालतू सब बचा है, अबेलियन के इसमें बचा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके साथ भी एसोसिएटिव बचा है, देख लेते हैं एसोसिएटिव बचा है अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव बचा है अंडर एडिशन, इसके साथ जो बचा है वो एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन और क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, और क्या बचा है कम्यूटेटिव मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ये बचा है, और विथ यूनिटी काम हो गया है, इसका काम हो गया है एक दो तीन चार पाँच छः, ये जितना प्रॉपर्टी बचा है ना वो सबसेट होने के कारण पक्का हो जाएगा, तो हम इस बात को लिख देते हैं ठीक है, मैथमेटिकल कोशिश करते हैं लिखने का, बस क्लियर हो जाएगा। नाउ सिंस चूंकि क्या है के इज द सबसेट ऑफ एफ, और ये एफ क्या है फील्ड, देन के सैटिस्फाइड
ऑल रेस्ट प्रो प्रो पार एज सैम एज एफ जिस तरह फील्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है रेस्ट प्रॉपर्टी को उसी तरह करेगा। तो हम लोग क्या नंबर तक आए थे, पांच आए थे, पांच के बाद मल्टीप्लिकेशन छह लिए होंगे, अभी देखो अभी छह आया होगा। प्रॉपर्टीज नंबर सात दैट इज करके लिख देते हैं, दैट इज सात नंबर देते हैं, याद रहेगा सात नंबर। आइए एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू के। प्रॉपर्टीज नंबर आठ, उसका क्या आठ है, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर नौ, कौन इसका कम्यूटेटिव, इसका एसोसिएटिव, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू के। चलिए और किसका प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो ये नौ दस दस नंबर, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू के, सबका लिख देते हैं, एक बार भी लिख सकते थे नहीं ऐसे देखे लिख रहे हैं तो लिख देते हैं, बी प्लस सी इंटू ए तो बी ए प्लस सी ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू के। इसके बाद फिर इतना डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, अच्छा एक कम्यूटेटिव बचाया अंडर मल्टीप्लिकेशन ना, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के, कम्यूटेटिव भी हो गया। चलिए हम लोग तो सब दिखा दिए, समझ में आ गया होगा ये पूरा, ये वाला लिए इसका बचा हुआ देखे होंगे, ये वाला भी इसी का कम्यूटेटिव बचा हुआ क्योंकि रियल दिखाना था, ये इसका सेमी ग्रुप का दो नंबर वाला बचा हुआ था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये लेफ्ट ये राइट मतलब ये वाला, और इसके बाद कम्यूटेटिव ये वाला, और विथ यूनिटी पीछे दिखाए थे, वन दिखाए थे वन बिलोंग्स टू के, और फिर माइनस इनवर्स, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी पीछे दिखाए थे, बस वो तो भी और बाकी सब दिखाते आ गए थे। बहुत ईजी है, इससे इजी थ्योरम कुछ नहीं है, इसलिए क्लियर यहां तक हो गया। दस दस के सटिस्फाइड ऑल प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, देयरफॉर के इज सब। कल हम लोग रिंग पढ़ेंगे, रिंग क्या होगा, सॉरी रिंग आइडियल पढ़ेंगे, आइडियल भी सबसेट होगा किसी रिंग आर का, और ये नॉन एम्प्टी होगा, ठीक। पहला कंडीशन ये होगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि आइडियल अंडर एडिशन सेमी ग्रुप सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप, और इसके बाद अंडर ये कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू आर, तो ए आर बिलोंग्स टू आई जिस तरह सब ग्रुप में होता था, आर ए बिलोंग्स टू आई, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, लेफ्ट राइट करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छा होगा आइडियल। बस इतने सा ध्यान में रखिए, इससे इजी थ्योरम आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम इजी थ्योरम, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है, एग्जाम में आता है, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, बहुत कम टाइम लगा, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था लाइट वगैरह का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन फिर हम लोग आइडियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।